सोई गैस वेलकम न्यू व्लॉग। सो मैं हूँ बीजे, सब्सक्राइब कीजिए। कैसे गए सब लोग? तो बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब बंदे बढ़िया होंगे। तो गैस बहुत टाइम के बाद मैं अपना इंट्रो बोल रहा हूँ, और वैसे मैं मुंबई गया था तो मैंने वहाँ पर ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। वैसे मैं मुंबई गया था टोटल 7 दिनों के लिए। वैसे हम लोग घर से तो सोच कर यही निकले थे कि 2 दिन में निकल जाएंगे, मतलब 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं ऐसा। बट वहाँ पर पहुँचे मेरी मौसी की लड़की नन्नी, मेरी मौसी और मेरे मौसा, तो तीनों को इतना अच्छा लगा हमारे साथ। हम बहुत सालों बाद उनके पास गए थे तो उन्होंने रोक लिया हमें। सो 7 और 8वें दिन हम लोग ना घर पर आए। वैसे इन 7-8 दिनों में प्रीव और पापा को पता चल गया कि मेरे बिना और मम्मी के, मेनली मम्मी के बिना रहना कितना मुश्किल है, कि इन लोगों का मेन झगड़ा होता था खाना क्या बनाए। पापा बोलते थे ये नहीं खाना है, प्रियो बोलती थी मैं यही बनाऊंगी। सो वो दोनों इसी बात पर बहुत झगड़ते थे, और जब भी झगड़ा करते थे मम्मी को कॉल करते थे और मम्मी वहीं पर से ही सॉल्व कर देती थी। बट फिर भी गाइस देखो चलता तो रहता है ये सब। अभी आज डेट है 29 दिसंबर 2023। वैसे अभी 2023 जो साल है वो अभी 2 दिनों का ही मेहमान है। अभी इसके बाद नया मेहमान आने वाला है, नया साल 2024। सो पता नहीं अभी वो कैसे बीतेगा। इस साल में तो मेरे साथ बहुत कुछ घटित हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। वैसे सबकी लाइफ में गाइस ये पार्ट तो चलते रहता है, कभी खुशी कभी गम मूवी भी है। कोई नहीं, चलो अभी जो बीता वो जाने दो अभी। बट अभी के लिए गाइस इस साल में लास्ट मंथ में जब थोड़े ही दिन बाकी थे तो मेरे साथ एक और अच्छी चीज़ हो गई। सो यस, आपने टाइटल पढ़ा कि हु इज माही। सो माही ये देखो, ये है माही। देख ली गाइस माही। सो गाइस माही ना फीमेल डॉग है जो हमने एडॉप्ट की है, और बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और दिल खुश हो जाता है उसके साथ खेलकर। और ना प्यार की भूखी है, पता है कैसे? देखो ऐसे गाइस, मैं माही को लेकर आया था क्रिसमस से पहले, बट मैंने वो शूट नहीं लिया क्योंकि तब मैं भूल गया था गाइस से शूट करना, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी में माही को लेने गया था। और जब मैं उसको लेने गया तभी मेरी एक्टिवा का पंचर निकला, तो मैं सबसे पहले पंचर बनाया, उसके बाद पेट्रोल फिल कराया, उसके बाद माही को लेने गया। वहां से मैंने जहां से दत्त को लिया था, दत्त और टाइगर को, तो वही जो आंटी है उन आंटी की ही पहचान में हमें ये माही मिली। सो मैं यहाँ से गया वागोड़िया गांव, मतलब गांव है वहाँ पर वागोड़िया गांव, वहाँ पर गया और वहाँ पर जाके मैं लेकर आया माही को। सो इतना दूर मैं गया था, सो अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आ गया। और इतने दिनों से माही अभी हमारे साथ है तो वो हमारे साथ पूरा घुल मिल चुकी है। बट माही ना एकदम ज़्यादा बालों वाली फ्लफी एकदम बच्ची है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइगर और माही दोनों को ही बार सुलाता हूँ, बट दोनों को ही मेरी आदत है, दोनों को अगर मैं नहीं दिखता तो दोनों ही भौंकने लगते और दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। सो मुझे भी उनके साथ बाहर ही सोना पड़ता है। सो मैं टाइगर और माही हम तीनों अलग रूम में रहते हैं, प्रियू इस रूम में सोती है, मम्मी पापा भी इस रूम में सोते हैं। सो कोई नहीं, चलो अभी बच्चों के लिए भाई इतना तो करना ही पड़ता है, अभी के लिए तो ये मेरी ट्रेनिंग है ऐसा समझ लो। और सच्ची में गाइस इन लोगों को छोड़कर ना मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता हूँ, डायरेक्ट भौंकना शुरू कर देते हैं रात को 2, 3, 4, 5 जितने बजे मैं उठता हूँ उतने बजे। और जब मैं माही को लेकर आया था मतलब उसके 2 दिन के बाद एक बहुत ही क्यूट मोमेंट हुआ। मैं ना ब्लैंकेट ऐसे अंदर रख के सो रहा था, मतलब ब्लैंकेट ओढ़ के पूरा सो रहा था, और माही ना पता नहीं कहाँ से बट पूरा ब्लैंकेट के अंदर आकर मुझे लीक करने लगी। जब उसने लीक किया तभी मुझे पता चला। सो मैंने डायरेक्टली फोटो क्लिक कर दिया, बट वो फोटो गाइस ऑब्वियसली क्लियर तो नहीं आया, बट वो फोटो कैसे है वो आप देखो। सो गाइस वैसे अभी टाइगर और माही सो रहे हैं, वैसे भी टाइम हुआ है 4:45, यानी कि 5:45 बजे है। सो अभी मित्राज भी ऑलमोस्ट आने वाला है,
जिम के लिए, बट आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं जिम ना जाऊँ, बट जाना पड़ेगा। बट मुझे कहीं अंदर से ही मन नहीं हो रहा है कि मैं जिम जाऊँ। कोई नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैं वैसे काफी टाइम से कॉलेज भी नहीं गया हूँ, काफी टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 20 to 25 days हो चुके हैं। और कोई नहीं, चलो वैसे देखते हैं, कल सैटरडे है, अगर कॉलेज जा पाता हूँ तो काफी अच्छा है। वैसे मैं ना बाहर मेनली कॉलेज क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ, और सैटरडे तो हमारा वैसे भी हॉलीडे रहता है हम BSc वालों का, बट मैं फिर भी जाता हूँ। क्यों? क्रिकेट खेलने के लिए। सो गाइस, वैसे आज के व्लॉग की खास बात क्या थी, माही को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, हमारा न्यू फैमिली मेंबर, हमारी न्यू फैमिली मेंबर। सो कोई नहीं, चलो वैसे टाइगर और माही की अभी मस्ती की वीडियोस आती रहेंगी आगे, सो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस डू लेट मी नो इन कमेंट कि आपको माही कैसी लगी। और गाइस सच्ची बताओ, जो हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है ना, रसगुल्ला एल काला जाम वाला है, सच्ची में इतने दोनों क्यूट लगते हैं साथ में कि नजर ना लग जाए, बस सच्ची में बोल रहा हूँ। मैं जब भी दोनों को वॉक पे लेके जाता हूँ, एक मुझे खींच के ले जाता है, एक मुझे इधर खींच के ले जाती है, दोनों के बीच में मैं ऐसे झूल रहा होता हूँ। बट गाइस कर भी क्या सकते हैं, दोनों को तो एक साथ एक्टिवा पर मैं ले नहीं जा सकता, और दोनों को ही बारी बारी भी मैं एक्टिवा पर नहीं ले, इसलिए गाइस मैं कुछ ना कुछ तो सेट करता हूँ, और मैं उनको मेरे घर के पास ही, उनको अपने घर के पास ही वॉकिंग के लिए लेकर जाता हूँ। बट हमारे यहाँ के जो स्ट्रीट डॉग है ना, उन लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि बाहर का कोई डॉग उनके एरिया में आए। ऐसे सभी जगह पर ऐसा ही होता है, बट क्या करेगा गाइस, मेरे दत्त के टाइम भी ऐसा सेम किया मेरे स्ट्रीट डॉग ने, कालू बोल रहा हूँ, टाइगर के टाइम पे भी और माही के टाइम पे भी। तो वैसे मेनली अभी वो लोग कालू को, यानी कि मेरे टाइगर को अभी नहीं भोंकते हैं, बट माही को देखकर बहुत भोंकते हैं। मैं लिटरली, मैं जब भी मैं वॉकिंग करने जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं माही के साथ खेलने के लिए। वैसे है ही इतनी क्यूट है, और गाइस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी है यार। चलो गाइस आज के लिए बस इतने ही, अगर आपको किसी भी रीजन से व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर इस व्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ गाइस, मेरी जो सेकेंड चैनल है विजय फूड चैनल, वैसे वो मेरी फर्स्ट चैनल है, सो वहां पर मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइस जल्दी जल्दी इस चैनल पे भी 1K सब्सक्राइबर करवा दो। व्लॉग्स व्लॉग्स तो गाइस आते ही रहेंगे। सो कोई नहीं गाइस, चलो अभी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।